हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? आज मैं आपको एक जादू दिखाने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं एक जादू। तो बच्चों, आज मैं आपको एक मैजिक कार्ड दिखाने वाली हूँ। देखिए, ये एक मैजिक कार्ड है। इसमें अभी आपको एक हवाई जहाज और कुछ बादल दिखाई दे रहे होंगे। अभी आपको कैसा दिखाई दे रहा है जहाज? ये कुछ सफ़ेद सा दिखाई दे रहा है। और अभी हम इसको रंगीन बना देते हैं। तो देखिए देखिए देखिए, ये देखिए, अरे ये तो रंगीन हो गया। तो बच्चों, आज मैं आपको, अब देखिए, आज मैं आपको इसी तरह से कुछ मैजिक कार्ड बनाना सिखाती हूँ, जिसे आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं हम एक मैजिक कार्ड। इसके लिए बच्चों, आपको घर में वेस्ट मटेरियल पेपर रखे होंगे, वो भी ले सकते हैं, या फिर आपके पास A4 साइज का पेपर होगा उसको लेना होगा। ये जो कार्ड हैं, आप जितना बड़ा या जितना छोटा बनाना चाहें उस हिसाब से हमें कागज़ को लेना होता है। तो सबसे पहले हम एक इसका जो ये बाहरी इसका कवर है, इसको तैयार करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, देखिए, एक हमने A4 साइज का पेज लिया है, इसको हमने इस तरह से कुछ थ्री फोल्ड कर लिया है। देखिए, ये मोड़ इधर से मोड़ा है, कुछ इधर से मोड़ा है, और फिर हम इधर से भी थोड़ा सा अंदर जोड़ने के लिए ये पर्द भी इतनी सी मोड़ देंगे। तो फिर हमारे पास कुछ इस तरह का ये लिफाफा तैयार हो जाएगा। इसमें हमें दो पर्द बनानी होगी, क्योंकि जिसमें एक साइड में हमारा कुछ रंगीन वाला पेपर जाएगा और ऊपर ब्लैक एंड वाइट वाला। तो फिर उसके बाद हम जितना बड़े पिक्चर बनाना चाह रहे हैं उसके हिसाब से हमें इसको उस तरह से ड्रॉ करना होगा। देखिए, ठीक है, अब ड्रॉ करने के बाद हम फिर इसको, जो ये बीच का हिस्सा है, इसको हम काट देंगे। इस वाले हिस्से को हम काट देते हैं। इसको काटने के लिए हम किसी लकड़ी या गत्ते के ऊपर इस पेपर को पहले रखते हैं और फिर ब्लेड से इसको हम इस तरह से स्केल रख करके, ये देखिए, ऐसे हम काट देंगे। इस तरह से देखते रहिए। इसी तरह से हमने इसको हम कुछ ऐसे बना लेते हैं। उसके बाद इसके लिए हमें कुछ पन्नी की जरूरत होगी। आपके घर में कुछ इस तरह की ट्रांसपेरेंट पन्नियां रखी होती होंगी, उसको आप यूज कर सकते हैं। तो ये जो हमने इसके बीच की ये जो परत निकाली थी, इसी का नाप ले लेते हैं। इससे हम कुछ बड़ा एक पन्नी को काट लेते हैं। ये पन्नी के टुकड़े ही बच्चों में दो चाहिए होंगे,
इसमें निशान लगा लेते हैं पहले, है ना। क्योंकि ये जो पेपर है इससे हमें कुछ बड़ा लेकर के चलना है इसको। ये देखिए इस तरह से पन्नी में हम निशान लगा लेते हैं पहले, फिर इसको हम कट करते हैं। ये पन्नी जो आप बच्चों अपनी कॉपी पर कवर चढ़ाते हैं वो पन्नी भी इसमें यूज कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से। अब इस पन्नी को हम ये वाला जो है इसके अंदर साइड में यहाँ पर इसको हम टेप से लगा देंगे बेटा इसको। हम दूसरी तरफ से लगाएंगे इधर से। थोड़ा सा अच्छे से खींच के लगाएंगे, है ना। चारों तरफ से हमने एक चीज को जोड़ देना है। देखिए इस तरह से इसमें पन्नी ट्रांसमिट हो जाएगा। हाँ फिर हम इसको इस तरह से मोड़ देते हैं। एक परत मोड़ी फिर उसके ऊपर हमने ये दूसरी वाली परत मोड़ी। अब ये जो ये लाइन्स जहाँ पे हमने निशान लगा रखा है इसके इधर से जो एक्स्ट्रा पेज होगा उसको हम अंदर की तरफ मोड़ देते हैं या उसको हम कट कर देते हैं। मोड़ेंगे तो फिर हमें उसमें फेविकोल से चिपकाना होगा उसको, नहीं तो हम उसको कट कर सकते हैं। अब देखिए ये कुछ हमारे पास इस तरह का लिफाफा तैयार हो जाएगा। अब हम ये वाला जो बड़ा हुआ हिस्सा है इसका देखिए इसको भी हम इधर की तरफ मोड़ देते हैं और यहाँ पर हम इसको फेविकोल से भी जोड़ सकते हैं या फिर हम टेप से भी जोड़ सकते हैं।
ये देखिए बच्चों, हमने इस तरह से एक लिफाफा तैयार कर लिया। अब इसमें आपको देखिए दो पॉकेट दिखाई दे रही होंगी, ये देखिए एक ये वाली पॉकेट है और एक ये वाली पॉकेट। अब इसके बाद ये तो आपका लिफाफा तैयार हो गया। अब इसके बाद हमें एक कोई सा भी कार्ड ले लेना है जो आपके घर में रखा हुआ, उसको फिर हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, डबल फोल्ड कर देंगे। डबल परत में जैसे ये लंबा कार्ड होगा आपके पास तो इसको आप ऐसे मोड़ेंगे पहले, और उसके बाद सेम जैसे आपने इसकी ऊपर वाली परत तैयार की है इसी तरह से हम इस वाले हिस्से को बनाएंगे। ये देखिए ये इस तरह से बनेगा, जिसके आधे हिस्से में हम जो भी चित्र बनाना चाहते हैं उसको हम बना लेंगे। यहाँ पे मैंने इसमें एक गाय बनाई है, आप कुछ भी बना सकते हैं, फूल बना सकते हैं, पेड़ पौधे बना सकते हैं, जो आप चाहें। फिर ये जो एक ट्रांसपेरेंट वाला हिस्सा है इसको हम इसके ऊपर इस तरह से मोड़ देते हैं। अब हमने क्या करना है, नीचे वाली जो हमारी रंगीन पिक्चर दिखाई दे रही होगी उसके ऊपर हमें मार्कर से इसको ड्रॉ कर देना है। अब आपके सामने एक इसमें कलर नहीं हो रखा है और इसमें हमने कलर किया हुआ है। जब ये कार्ड हमारा इस तरह से तैयार हो जाएगा तब हम देखिए इसको इस कार्ड लिफाफे में डालते हैं। ये जो देखिए इसको हम ऐसे डालेंगे, ये देखिए है ना, अभी कैसी है गाय, सफेद और काली दिखाई दे रही है। अब हम इसको जब इस लिफाफे से बाहर निकालेंगे तो देखिए धीरे धीरे, ये देखिए बन गया ना मैजिक कार्ड। तो इस तरह से आप कुछ अपनी पसंद के मैजिक कार्ड बना सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट कर सकते हैं, या फिर हैप्पी बर्थडे होता है, मदर्स डे होता है तो भी आप कार्ड को बनाकर दे सकते हैं। एक देखिए मैंने ये कार्ड बनाया है, ये मदर्स डे पे है, जब आपकी मम्मी का बर्थडे हो तब आप दे सकते हैं ऐसे कार्ड को। ये देखिए इसमें अभी आपको ब्लैक एंड वाइट दिखाई दे रहा है, जब आप इस कार्ड को इससे बाहर निकालेंगे तो देखिए, ये देखिए तो बच्चों आपको कैसा लगा कार्ड बनाना, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो आप इसी तरह से कुछ सुंदर सुंदर मैजिक कार्ड घर में बनाइएगा और अपनी मैम को भी दिखाइएगा। फिर मिलते हैं हम नई गतिविधि के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।